ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या पूरा मामला रहा और आज कोर्ट ने किसे किसे नोटिस जारी किया है, आपकी मांग क्या है? आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। आज सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर पेश ना करने के विरोध में, क्योंकि आज हम अदालत गए और अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले 7 साल से दिल्ली असेंबली में एक भी सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया गया। ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल और उनके तमाम लोग, आतिशी मारलीना से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सीएजी की रिपोर्ट को क्यों दबा रहे हैं? क्या इस सरकार में पारदर्शिता नहीं है? क्या इस सरकार के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं तो क्या वो जनता को पता नहीं लगना चाहिए? उसमें क्या गोलमाल हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है? इसका मतलब साफ है कि सरकार में दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। इसलिए मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने नोटिस किया, और दिल्ली की सरकार को चेताना चाहता हूं कि इससे पहले कि इस मामले में जब भी आप अपने जवाब के साथ आएंगे, लेकिन हमारी फिर आपसे मांग है कि आप दिल्ली विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाइए और ये सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखिए, क्योंकि दिल्ली की सरकार जानबूझकर ऑडिट की रिपोर्ट्स को दबा रही है, छुपा रही है और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रोक रही है। ये संवैधानिक अधिकार है सदस्यों का, दिल्ली की जनता का, देश की जनता का ये जानना कि दिल्ली की सरकार के जो अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ियां सामने आ रही है। हमारा ये कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खुले, भ्रष्टाचार सामने आए। सरकार नहीं चाहती दिल्ली की कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या फिर उसमें सुधार भी हो। ऑडिट जो होता है उसका पर्पज ये भी होता है कि अगर सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों को और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जिससे कि भविष्य में भी ये व्यवस्था सुचारू चल सके, भ्रष्टाचार रुक सके। लेकिन सरकार ने खुला छोड़ा हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 10 साल के शासनकाल में एक भी पैरा ऑडिट पैरा डिसाइड नहीं किया गया, एक भी ऑडिट पैरा हाउस में नहीं भेजा गया, एक भी ऑडिट पैरा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब ऑडिट पैरे पे कार्रवाई नहीं की गई, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार में खुला खेल फरूकाबादी है। कोई कुछ भी करो, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, जितना मर्जी गोलमाल करो, जितना मर्जी सरकारी धन का दुरुपयोग हो, खजाने की लूट हो, क्योंकि सबको पता है कि ये सरकार सीएजी की रिपोर्ट पर ना तो उसको संवेदनशील है, ना उसकी तरफ जवाबदेह है और ना ही संवैधानिक रीति नीति को का पालन करना चाहती है। अच्छा, क्यों आपको क्या लग रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी क्यों रिपोर्ट टेबल होने नहीं देना चाहती है? क्या इसके आम आदमी पार्टी क्योंकि भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन चुकी है, ये आम आदमी पार्टी से ज्यादा ये धोखाधड़ी पार्टी बन चुकी है और ये धोखा देकर लोगों को गुमराह करना चाहती है। इसलिए सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की जनता, देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबाए, जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट छुपाए, ऐसे लोगों को से सावधान रहिए। ये खतरनाक लोग हैं ये आम आदमी पार्टी, और इनका विसर्जन दिल्ली की जो पॉल्यूटेड यमुना है उसमें होना आवश्यक है। और इस बार मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले आप सदन की विशेष बैठक बुलाकर और ये तमाम रिपोर्ट पब्लिक करिए, क्योंकि आप दिल्ली विधानसभा का सत्र ही नहीं बुलाना चाहते। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 8 अप्रैल के बाद 26 और 27 सितंबर को 5.5 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र बैठा, वो भी मात्र सिर्फ 2 दिन के लिए। दिल्ली विधानसभा के पटल पर ना तो रिपोर्ट रखी जा रही है, ना जनता के मुद्दे, सीवर है, पानी है, बिजली है, पोल्यूशन है, अस्पताल है, स्कूल है, वहां बात कर ही नहीं सकते। जनता के सवाल खड़े ही नहीं, क्वेश्चन आवर नहीं करते, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। जनवरी 24 मैं कहना चाहूंगा 2024 में अभी तक एक बार भी प्रश्नकाल नहीं हुआ है, और पूरे 5 वर्ष के शासनकाल में एक या दो बार से ज्यादा प्रश्नकाल ही नहीं हुआ है।
तो जो सरकार प्रश्नकाल से भागे, सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार छीन ले, जो सरकार सीएजी की रिपोर्ट दबा ले, इसका मतलब ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और लोगों के सवालों से बचना चाहती है।